आज मैं आया हुआ हूँ Vivo X200 के प्री लॉन्च इवेंट में और हमारे पास आ चुका है X200 Pro और ये फोन हमारे पास एक्सक्लूसिव है। अब इस फोन के बारे में मैं आपको ज्यादा चीजें तो बता नहीं सकता, बट यहाँ पे हम इसका कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। हमने इसे बहुत सारे फोटोज कैप्चर करे हैं और बहुत सारे वीडियोज भी रिकॉर्ड किए। सारी चीजें आपको एक एक करके दिखाता हूँ एंड थोड़ी बहुत चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करें फोन की, तो फोन आप हाथों में पकड़ोगे एक्चुअली में काफी प्रीमियम से फील होती है एंड ये कलर भी भाई बहुत ही प्यारा सा है। इसका कैमरा मॉड्यूल देख के लगता है कि भाई कोई अगर एकदम तोड़ू फोड़ू कैमरा वाला फोन होगा एंड कैमरा एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। क्वाड कर्व डिस्प्ले है, लेकिन असली में जा तो इसके कैमरे में है, उसकी बात करते हैं। इस फोन में इंडियाज फर्स्ट 200 मेगापिक्सल का जाइस एपीओ टेलीफोटो कैमरा है। अब अगर आप सोचो कि भाई ये एपीओ क्या है, तो बेसिकली ये हेल्प करता है डिस्टॉर्शन को थोड़ा रिड्यूस करने में और शार्पनेस थोड़े से बेटर आते हैं। 50 मेगापिक्सल का जाइस मेन कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। ये तो हो गई स्पेक्स वाली बात, फटाफट आपको फोटोज दिखाते हैं। आप पोर्ट्रेट मोड के फोटोज देखो, कलर्स काफी सही से आ रहे हैं और एज डिटेक्शन भी एकदम भाई तगड़े लेवल का है। और ये सारे फोटोज मैंने जाइस मोड में लिए हैं। अगर आप विविड मोड में लोगे तो कलर्स और भी बूस्टेड आएंगे। 85mm और 135mm के फोटोज देखोगे तो भाई क्या ही मस्त दिख रहा है, डिटेल वगैरह भी काफी सही सी है। बोके अगर आप देखोगे भाई DSLR के लेवल का बोके आपको फोन के अंदर मिल रहा है। देन ये वाली फोटो अगेंस्ट द सनलाइट में मैंने लिया था, फिर भी आपको कोई भी फ्लेयर देखने को नहीं मिलेगा। फेस आप देखोगे तो हल्का सा फेड है, लेकिन काफी अच्छे से इसने कैप्चर करा है। मैक्रो और अल्ट्रा वाइड में आप छोटे से छोटा डिटेल देख सकते हो और नाइट में भी फोटोज भाई काफी डिटेल कैप्चर होते हैं। जहां पे बहुत कम लाइट है, थोड़े बहुत स्ट्रीट लाइट जल रहे हैं, वहां पे भी आप फोटोज देखो भाई क्या ही क्रेजी फोटो इसने लिया है। और ये कुछ आप सैंपल्स देख सकते हो इसके जूमिंग कैपेबिलिटी की। मैंने बहुत बार इसका जूम टेस्ट करने का ट्राई किया एंड हर बार फोटोज काफी सही से आते हैं। और सीधी बात बताओ तो भाई फोटोज में AI बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है। इस फोन में बहुत सारे कैमरा मोड्स है, जिसमें से कुछ मोड्स भाई बहुत ही क्रेजी है। सबसे पहला तो इसमें आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड मिलता है। आपने कैमरा आप खोल के रखा है, नीचे से आप जैसे ही स्वाइप अप करोगे आप स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड में चले जाओगे, जहां पे आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, कलर टोन वगैरह चेंज कर सकते हो एंड MM वगैरह भी चेंज कर सकते हो। एंड ये चीज काफी सुपर कूल सी है। मान लो आपको फटाफट स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है, फटाक से कुछ भी कैप्चर करना हो, वॉल्यूम बटन दो बार प्रेस करो, सिर्फ स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड ओपन हो जाता है। तो ये चीज तो मेरे को काफी सही से लगी। प्लस इसमें एक लैंडस्केप मोड में मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं कि आपको किस तरीके का फोटो कैप्चर करना है एंड लैंडस्केप मोड के स्टाइल से आप फोटो क्लिक करते हो तो एक्चुअली में डिफरेंस पता चलता है। लैंडस्केप मोड में ही लॉन्ग एक्सपोजर का एक ऑप्शन है, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे फ्लोटिंग क्लाउड जहाँ पे झरने वरने उसके आप फोटो क्लिक करोगे तो काफी अच्छे से फोटो जाएंगे, स्टार ट्रेल, फायरवर्क एंड और भी बहुत सारी चीजों के ऑप्शन है। ये चीजें पहले मैनुअली करनी पड़ती थी, हर एक सेटिंग को एडजस्ट करना पड़ता, बट अब ऐसा हो गया कि भाई ऑप्शन को इनेबल करो, सारी चीजें अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगी। आप आराम से बिना ट्राइपॉड के फोटो क्लिक करो एंड आपको फोटो मिल जाएगा। तो कंक्लूजन के बारे में अगर बात करें भाई, बहुत ही क्रेजी कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिलता है और ये फोन अगले महीने यानी दिसंबर 2024 में इंडिया में लॉन्च होने वाला है, Vivo X200 एंड X200 Pro। इस फोन के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।